नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी प्रत्यावर्तन। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए प्रत्यावर्तन। रिसेप्शन पर नाम देते हुए मन जरा कांपा जरूर था। एक बार सोचा भी कि कोई काल्पनिक नाम दे दूं, पर दूसरे ही क्षण वह विचार झटक दिया। यहां वैसे भी मुझे कौन जानता है, यह सोचकर मैंने मन को मजबूती से थाम लिया और अपना नाम लिखवा दिया। क्लिनिक की लोकेशन ही उसके महंगे होने का आभास दे रही थी। भीतर की साज सज्जा देखकर तो यह साबित ही हो गया। जहां वेटिंग रूम लिखा था वह बाकायदा एक हॉल था। कोई आधा दर्जन सोफे और दर्जन भर कुर्सियां करीने से लगी हुई थी। बीच बीच में छोटी छोटी मेजें पड़ी थीं जिन पर पत्रिकाएं करीने से सजी थीं। एक कोने में वाटर कूलर था, दूसरे कोने में टॉयलेट का दिशा निर्देश करती तख्ती थी। अपनी बारी का इंतजार करते हुए मैं एक सोफे में धस गई और सामने पड़ी एक पत्रिका उठा ली। मेरी आंखें रंगीन पन्नों पर तैर रही थीं, पर मेरा दिमाग कहीं और था। मेरे यहाँ आने के औचित्य पर दिमाग बार बार सवाल कर रहा था। यदि मुझे आधा पौन घंटा और बैठना पड़ जाता तो शायद मैं भाग खड़ी होती, पर सौभाग्य से मेरा नाम जल्दी ही पुकारा गया। मिस अरुंधति शुक्ला, उस अजनबी वातावरण में अपना ही नाम इतना अपरिचित सा लगा कि क्षण भर तो समझ में ही नहीं आया। फिर सकपकाई सी मैं उठी और मैंने देखा दर्जन भर आंखें मुझे घूर रही हैं। कांपते कदमों से और धड़कते हृदय से मैंने केविन में प्रवेश किया। अब तक तो बाहर की भव्यता से ही मैं अभिभूत थी, भीतर विराजमान सौंदर्य को देखकर तो मैं ठगी सी रह गई। पैर वहीं जम गए। बैठिए, कानों में जैसे मधुर घंटियां बज उठी। किसी तरह अपने को समेट कर मैं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कहिए, फिर एक बार घंटियों का स्वर आया। उनकी आंखें भी मुझ पर टिकी हुई थी। देखिए, संकोच मत कीजिए, ऐसे केसेस से मैं आए दिन मुखातिब होती रहती हूँ। ऐसे केसेस से मतलब? कोई अनमैरिड महिला जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास आती है तो। ओह नो, मैं एकदम चौंकी। अब समझ में आया कि बाहर वे दो दर्जन आंखें मुझे घूर क्यों रही थी। मिस अरुंधति शुक्ला ने उनकी जिज्ञासा जगा दी थी। सॉरी, वैसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पेशेंट की हैसियत से नहीं आई हूँ, दरअसल आपसे प्रश्न पूछने हैं। आप पत्रकार हैं? नहीं, हिंदी की प्रोफेसर हूं मैं। फिर? उन्होंने प्रश्नार्थक नजरों से मुझे देखा। दरअसल मैं यह पूछना चाह रही हूं कि आपकी शादी क्यों टूटी थी। उन्होंने घूर कर मेरी ओर देखा। मुझे डर हुआ कि वे कहीं आया को बुलाकर मुझे बाहर का रास्ता न दिखा दें, इसलिए मैंने तुरंत अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, मैं जानती हूँ यह बहुत पर्सनल प्रश्न है और मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। फिर भी अगर आप मेरी जिज्ञासा शांत कर सकें तो बहुत कृपा होगी। कारण जान सकती हूँ? मेरे लिए वहाँ से प्रस्ताव आया है। अब उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। मैंने कहा, इस समय मेरी उम्र 34 वर्ष है। इतना बड़ा जुआ खेलने से पहले जानना चाहती हूँ कि आप ये बाजी क्यों और कैसे हारी। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। वे धीरे से हंसकर बोली, मैं इसे बाजी हारना नहीं कहती, इट वॉज ए सक्सेसफुल रिट्रीट। मैं कुछ समझी नहीं, उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की। बोली, देखिए ये मेरे काम का समय है, बाहर बैठे पेशेंट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप अगर 2 बजे तक रुक सकती हैं तो तफसील से बातें होंगी। तब तक आप चाहें तो थोड़ा घूम आए या वेटिंग रूम में आराम करें, हम लोग ठीक 2 बजे मिलते हैं। वहाँ बैठकर फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने की अपेक्षा मैंने शहर का एक चक्कर लगाना मुनासिब समझा। 2:45 बजे मैं क्लिनिक पर लौट आई। ठीक 2 बजे वे अपने केबिन से बाहर आईं। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई और बोली, चलें। उनकी कार में बैठकर हम लोग एक रेस्तरां में पहुंचे। टेबल शायद पहले ही बुक किया जा चुका था क्योंकि हमें सीधे वहीं ले जाया गया। यह एकदम कोने वाली टेबल थी जहां अपेक्षाकृत एकांत था।
उन्होंने इत्मीनान से खाना ऑर्डर किया और बोली, सॉरी मैंने तुमसे बिना पूछे ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इस समय खाना हमारे लिए सेकेंडरी है, तो फौरन मुद्दे पर आया जाए। मैंने लक्ष्य किया कि वे बड़ी सहजता से आपसे तुम पर आ गई थी, पर उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि मैं उतनी बेतकल्लुफ नहीं हो सकती थी। सबसे पहले तो मैं एक पर्सनल प्रश्न पूछना चाहूँगी, इतने वर्षों तक तुम अनब्याही कैसे रह गई? एनी स्पेसिफिक रीज़न? नहीं, कोई खास कारण नहीं है, सीधी सी कहानी है। MMA थी तब पिताजी अचानक चल बसे, दोनों भाई विदेश में थे, वे सब परिवार आए और रस्में निपटा कर लौट गए। यह तय हुआ कि MA के बाद मेरी शादी कर दी जाएगी, फिर वे लोग माँ को ले जाएंगे, फिर माँ बारी बारी से दोनों भाइयों के पास रहा करेंगी, पैतृक मकान बेच दिया जाएगा, आधा पैसा मेरे नाम और आधा माँ के नाम फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा। माँ के कानों में जब यह योजना की भनक पड़ी तो वह एकदम बिफर गई। उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो वे यह पुस्तैनी मकान बेचेंगी, ना इस उम्र में विदेश जाएंगी, जितने दिन जीना है इसी देहरी पर रहेंगी और यहीं प्राण छोड़ेंगी। भाई बेचारे पशुपेश में पड़ गए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं माँ के पास बनी रहूँगी, उनके रहते शादी नहीं करूँगी। इस बीच मेरी PhD भी हो गई, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। भाई लोग भी यथाशक्ति भेजते ही रहते हैं। जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी, पर अचानक माँ को मेरी शादी की चिंता होने लगी। कहती हैं पता नहीं कितनी जिंदगी लिखा कर आई हूँ, मेरे मरने के इंतजार में तो तुम बुढ़ा जाओगी, फिर तुमसे शादी कौन करेगा? इन लोगों से परिचय कैसे हुआ? अभी परिचय कहाँ हुआ है, माँ के सत्संग मंडल की एक आंटी उन लोगों से परिचित हैं, उन्होंने ही शायद मेरे बारे में बताया होगा, तो मिलने की इच्छा प्रकट की गई है। माँ तो एकदम उछल पड़ी थी, पर डाइवोर्स की बात सुनकर मैंने सोचा पहले थोड़ी छानबीन कर ली जाए, बाद में ऐसा न लगे कि इससे तो अनब्याही ही भली थी। तो छानबीन कहाँ से शुरू की जाए? मैं तो यही जानना चाहूंगी कि शादी क्यों टूटी, कौन सा पक्ष ज़्यादा कसूरवार था। तब तक हमारा ऑर्डर आ गया था, जब तक बैरा खाना लगाता रहा वे चुप बनी रहीं। उसके जाते ही बोली, कसूरवार कौन है यह तो तुम तय करोगी, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहूँगी। ये तो तुम हम लोगों के सरनेम से ही जान गई होगी कि हमारी जातियाँ अलग हैं, आजकल तो ऐसी शादियाँ आम हो गई हैं। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो इन लोगों को महत्व देते हैं। हम दोनों के ही माँ बाप इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अशोक के घर में तो मेरा घोर विरोध हो रहा था, मुझे गुमनाम धमकियाँ भी दी गईं, मेरा रिकॉर्ड भी खंगाला गया ताकि कुछ अगर सनसनीखेज हाथ लगे तो उसे मेरे खिलाफ प्रचारित किया जा सके। ऐसे खराब माहौल में मेरे भैया भाभी देवदूत की तरह सामने आए, भाई चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। भाभी ने कहा, अगर सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो, शुरू शुरू में थोड़ा हंगामा होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता भी है, साल दो साल में माँ बाप पसीज जाते हैं और बच्चों को अपना लेते हैं, मैंने कहा। मेरे यहाँ तो ऐसा ही हुआ, साल भर बाद ही मम्मी डैडी ने मुझे घर बुलाना शुरू कर दिया था। पर अशोक के घर, खैर शादी का किस्सा सुनो। शादी हमने रजिस्टर्ड की, फिर मंदिर में भी फेरे लिए, भैया भाभी और हम लोगों के कुछ मित्र, बस इतने ही लोग उपस्थित थे। शादी के बाद भैया ने हमारे हाथ में गोवा के टिकट थमा दिए, बोले 8-10 दिन घूम आओ, तब तक यहाँ माहौल कुछ ठंडा हो जाएगा। वहाँ से लौटकर आप किसके यहाँ गईं, अपने या डॉक्टर साहब के? हमें पता था कि शादी के बाद दोनों ही घरों में हमारा प्रवेश वर्जित हो जाएगा, इसलिए हमने पहले ही एक फ्लैट बुक कर लिया था। हमारे लौटने तक भाभी ने उसे चकाचक तैयार कर दिया था, जरूरत की हर चीज़ मुहैया करा दी थी, इसलिए हमें आते ही नोन तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। लंबी छुट्टी के बाद जिस दिन हम ज्वाइन करने वाले थे, सुबह सुबह अशोक ने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया, बोले चलो पहले चलकर मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं हैरान रह गई, कहा वे लोग कितना नाराज हैं जानते हैं ना? तो क्या हुआ, माँ बाप तो नाराज होते ही रहते हैं,
हमने नाराज किया है तो हम ही मना भी लेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर दाम्पत्य के शुरुआत में ही मैं किसी तरह की कड़वाहट नहीं घोलना चाहती थी, इसलिए धड़कते दिल से ही सही साथ चल दी। वे लोग लॉन में बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। हमने पापा जी के पैर छुए, वे प्रस्तर मूर्ति की तरह बैठे रहे। ना उन्होंने आशीर्वाद दिया, ना ही कुछ बोले, पर ये जैसे ही मम्मी के चरणों में झुके, उन्होंने खींचकर एक चांटा रसीद कर दिया। क्या बात करती हूँ, सच कह रही हूँ, फिर मेरी ओर इशारा करके बोली, इस चुड़ैल के साथ यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उसके बाद जिन शब्दों से उन्होंने मुझे नवाजा है, उनका तो मैं उच्चारण भी नहीं कर सकती। आज भी जब वह प्रसंग याद आता है तो मेरे तन बदन में जैसे आग लग जाती है। अपमानित होकर लूटे पिटे से हम लौट आए। कितने ही दिनों तक हम एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। अपमान का दंश इतना तीखा था कि हमें सामान्य होने में एक अरसा लगा। तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना, अनुराधा जी ने पूछा। नहीं, बल्कि मुझे तो संकोच हो रहा है कि ये दुखद प्रसंग आपको फिर से याद दिला रही हूँ। याद तो उनकी दिलाई जाती है जो बातें हम भूल जाते हैं। ये प्रसंग तो मेरे मन में इतने गहरे अंकित हो गए हैं कि भूलने का सवाल ही नहीं उठता। बमुश्किल तमाम मैं उस घटना से उबर पाई थी, पर अशोक शायद कभी उबर ही नहीं पाए। उनके लिए यह धक्का बहुत जबरदस्त था। माँ के बहुत लाडले थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे सहज ही उन्हें क्षमा कर देंगी, पर इस विश्वास को जबरदस्त आघात पहुंचा। उससे वे एकदम विचलित हो गए। एक नया ही रूप उनका सामने आया। विवाह के समय जो बागी तेवर उन्होंने दिखाए थे, उसके पुनः दर्शन कभी हुए ही नहीं। अब मेरे सामने जो व्यक्ति था, वह आत्मग्लानि से भरपूर, अपराध बोध से ग्रस्त इंसान था। बार बार कहते, मैंने मम्मी के अरमानों का कचरा कर दिया। उनका नाराज होना स्वाभाविक है, तीज त्योहारों पर घर की याद से व्याकुल हो जाते। राखी पर बिसुरते रहते कि तीन तीन बहनों के होते हुए भी मेरी कलाई सोनी है। संकोच के मारे मैं भी अपने भैया को राखी नहीं बांधती, ताकि उन्हें बुरा न लगे। साल भर बाद मेरे माता पिता थोड़े पिघले और मेरा घर आना जाना शुरू हो गया, पर निमंत्रणों के बावजूद ये कभी मेरे घर की देहरी नहीं चढ़े। कहते, जिस दिन मेरे घर में तुम्हारा स्वागत होगा, तभी मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। फिर एक दिन खबर आई कि पापा जी को कैंसर हो गया है। ये एकदम बेचैन हो उठे। मैंने कहा, परेशान होने की क्या बात है, बेटे की हैसियत से ना सही, डॉक्टर की हैसियत से चले जाओ, जो बन पड़े सेवा करो। पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, बस बार बार बिसुरते रहे कि मैं ही पापा के इस कष्ट का कारण हूँ। इस तरह अपने साथ मुझे भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हम लोग पापा जी के स्वास्थ्य को लेकर आशंकित तो थे ही, पर अंत इतना निकट होगा यह नहीं सोचा था। एक दिन मम्मी जी का फोन आ ही गया कि वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने कहा, अब तो कोई दुविधा ही नहीं है, फौरन चले जाओ। क्यों, तुम नहीं चलोगी? मैं, मेरे लिए तो बुलावा नहीं आया है। वे एकदम झल्ला पड़े। तुम्हारे लिए क्या अलग से निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ेगा? उस घर में मेरा जैसा स्वागत हुआ था, याद है ना? हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। और क्या ऐसे समय भी तुम अपना मान सम्मान भूल नहीं सकती? बहस करना फिजूल था, बल्कि मुझे तो डर हो गया था कि अगर यह बहसबाजी में पापा जी के प्राण पखेरु उड़ गए तो अशोक तो क्या, मैं भी अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी। बेमन से ही सही, मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। इन्होंने हौले से कमरे के द्वार पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुला। उस हल्की सी फांक से मम्मी जी ने बेटे को देखा और हाथ बढ़ाकर अंक में भर लिया। बाहों में घेर कर वे उन्हें भीतर लिवा ले गईं। जाते समय धीरे से दरवाजा ठेल गई। मैं पसोपेश में दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जानबूझकर अनदेखा किया गया है या उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था। इसी कारण भीतर जाते संकोच हो रहा था। सोच रही थी कि अभी अशोक आएंगे और मुझे कमरे में लिवा जाएंगे। इसी आशा में द्वार पर ही खड़ी रही जब तक कि मेरे पैर जाम नहीं हो गए।
फिर हार कर बरामदे में पड़ी बेंच पर बैठ गई। सोच रही थी कि अशोक या तो मुझे कमरे में ले जाएं या घर जाने के लिए कह दें, इस तरह मेरा तमाशा तो ना बनाएं। कमरे में आवाजाही बराबर बनी हुई थी। उन लोगों में अशोक की बहनें भी होंगी, पर उन लोगों ने मेरी ओर देखा तक नहीं। बात करना तो खैर दूर की बात थी। जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैं उठ खड़ी हुई। गनीमत थी कि गाड़ी की चाबियां मेरे पास थीं। आते समय ये इतने नर्वस हो रहे थे कि ड्राइव करने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं ही गाड़ी चलाकर लाई थी। घर आकर मैंने सामान समेटा और पापा के घर आ गई। आते समय एक चिट्ठी छोड़ आई थी। आज पक्का एहसास हो गया कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। आज से मैंने तुम्हें आज़ाद किया। डाइवोर्स पेपर्स पर जब चाहो आकर साइन ले लेना। उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, जिंदगी में उन्होंने एक ही बार हिम्मत दिखाई थी, जब घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वह स्पार्क फिर कभी नजर नहीं आया। अब तो पिता की मृत्यु के लिए भी वे खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं और शायद जिंदगी भर प्रायश्चित करते रहेंगे। कहानी खत्म हो गई थी और लंच भी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था और एक असहज मौन हम दोनों के बीच पसर गया था। बैरा प्लेटें उठाकर ले गया। फिंगर बाउल्स में हमारे हाथ भी धुल गए। फिर उन्होंने पूछा, आइसक्रीम तो लोगी ना? और मेरे कुछ कहने से पहले ही ऑर्डर दे दिया। एक पर्सनल बात पूछूं? मैंने डरते डरते कहा। वे हंसती, इतनी देर से हम क्या राजनीति में चर्चा कर रहे थे? नहीं, यह बात जरा ज़्यादा पर्सनल है। आप लोगों की शादी कोई 3-3.5 साल तो चली होगी। 38 मंथ्स टू बी प्रिसाइज। तो आप लोगों ने बेबी के लिए नहीं सोचा? नहीं, हम लोग ठीक से सेटल नहीं हो पा रहे थे, मेंटली भी और प्रोफेशनली भी, इसलिए बच्चे की प्लानिंग टलती ही रही। अब सोचती हूँ यह एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चा होता तो इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ नहीं पाती शायद। इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मेरे मन में बड़ी दुविधा है। आपका तो प्रेम विवाह था, फिर भी नहीं चला। यहाँ तो प्रेम वेम का कोई चक्कर ही नहीं है। मैं आपकी तरह सुंदर भी नहीं हूँ। कैसे निभेगी? खूब निभेगी। तुम्हारे पास 2 प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो तुम उनकी सजातीय हो, दूसरे थ्रू प्रॉपर चैनल प्रवेश करोगी। एक बात और, डॉक्टर लोग अक्सर जीवन साथी के रूप में डॉक्टर ही चुनते हैं। कहते हैं इससे आपसी समझ बनी रहती है। मुझ जैसी हिंदी वाली के साथ वे तालमेल कैसे बिठाएंगे? तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि तुम डॉक्टर नहीं हो। माताश्री की लेडी डॉक्टर्स के बारे में जो राय है। मैं माताश्री के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि अब से तुम्हें माता जी के बारे में ही सोचना है, क्योंकि वे ही पूरे परिवार के लिए सोचती हैं। बाकी सबके दिमाग कुंद जो हो गए हैं। मानसिक रूप से ऐसा पंगु परिवार तुमने दूसरा नहीं देखा होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? अब और क्या पूछूं? आपने तो मेरे सारे प्रश्नों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब आप ही बताइए मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। इट इज़ योर लाइफ बेबी, पर जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें बरगला रही हूँ या इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। तुम इतनी दूर से चलकर मेरे पास आई, बड़े अपनेपन से, बड़े विश्वास के साथ तुमने मुझसे कुछ पूछा, तो सच बोलना मेरा फर्ज था। बैरा बिल लेकर आ गया था। टिप के साथ बिल की रकम अदा करते हुए वे उठ खड़ी हुई। चलें? तुम्हें कहाँ छोड़ना होगा? कार स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूछा। वहीं जहाँ से चले थे। मतलब? उन्होंने प्रश्नार्थक नज़रों से मेरी ओर देखा। हम दोनों की नज़रें मिलीं और उन्हें जैसे सब कुछ समझ में आ गया। फिर एक हंसी का दौरा सा हम पर पड़ा और सारी धुंध छट गई। मन एकदम हल्का हो गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।